एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ योर स्कूल एग्जाम। देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में जैसे फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम है, ये एक जनरल फॉर्मूला है। जैसे जब आप शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं तब फॉर्मल चार्ज ऑन एटम फाइंड आउट असल में किया जाता है, तो आप बेटर है तब कर लीजिए। मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे उसने टॉपिक लिखे हैं वैसे वैसे आपको शॉर्टलिस्ट करा है। तो फॉर्मल चार्ज वैसे आप तब फाइंड आउट करिए जब आप एक मॉलिक्यूल की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। देन इज द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इट इज़ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, कि जब दो एटम एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं इन द बॉन्डेड स्टेट, इट इज़ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। तो बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एट दिस डिस्टेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर होती है। सिर्फ डेफिनेशन करिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि अब आप तो कंप्लीट केमिस्ट्री कर ही चुके हैं और ऑर्गेनिक भी कर चुके हैं, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करना। वैसे जो बॉन्डिंग के अंदर स्पेसिफाइड हैं वो कार्बोनेट आयन है और O3 मॉलिक्यूल हैं, तो इनको भी आप कवर कर लीजिए। नेक्स्ट इज डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट आपको ज़रूर ध्यान से करनी है। डायपोल मूवमेंट भी फिर से जो करना है वो हमें पोलैरिटी ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड बताता है। तो ये मॉलिक्यूलर शेप, जब आप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल पे अगर आप जाएंगे, तो क्योंकि डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब तक आप शेप ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि नेट डायपोल मूवमेंट उस मॉलिक्यूल की जीरो है या नहीं है। तो फिर से ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी ने डायपोल मूवमेंट पहले दिया है और शेप ऑफ मॉलिक्यूल बाद में, पर मेरे हिसाब से आप पहले शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कर लीजिए, फिर उसके बाद आप डायपोल मूवमेंट जो है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की ड्रॉ करिए, क्योंकि तभी आप नेट वेक्टर फाइंड आउट कर पाएंगे। देन इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के मेन पॉइंट्स पर आप पढ़िए, ज़्यादातर आपको इसके ऊपर जो है वो एप्लीकेशन पार्ट आएगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट, दैट इज आपको ये इन मॉलिक्यूल्स की शेप ड्रॉ करने के लिए पूछी जाएगी। ये मेन मॉलिक्यूल्स है, मैक्सिमम सारे कवरेज इसी के अंदर होगी, इसको आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इनके आपको करना है। आगे टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा, तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की आपको हाइब्रिडाइजेशन भी मेनली पूछी जाती है। इसके अलावा C2H4 और C2H2 की भी पूछी जाती है, पर ये मॉलिक्यूल्स की शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इनकी हाइब्रिडाइजेशन, आप दोनों अगर आपका चैप्टर पूरा तैयार है तो ये ध्यान रखिए, इन्हीं की शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी करनी है और हाइब्रिडाइजेशन भी साथ ही में कवर करनी है। आप देखिए कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी दी हुई है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है, वो ग्राफ आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। देन इज टाइप ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज SS का ओवरलैप, SP का ओवरलैप, देन PP एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। इसे आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पता चलेगा और उसका डिफरेंस आपने जरूर याद करना है, ये 1 मार्क या 2 मार्क के अंदर आ जाता है। देन इज दी हाइब्रिडाइजेशन। आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपने बस मेनली उसका पढ़ लेना है कि वॉट इज द कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, एंड द सेकेंड पॉइंट आपको पढ़ना है कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस क्या होती हैं और उसे आप ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ज्योमेट्री SP जो है उससे लीनियर मॉलिक्यूल होता है, SP2 जो है ट्रैगोनल प्लेनर है। तो जो आपने पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के एग्जांपल करे थे उसी पे आप हाइब्रिडाइजेशन के भी एग्जांपल कर लीजिए। साथ में आप ये भी कर लीजिए, अगर आपको हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आती है, हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर जनरली आपको ड्रॉ करने के लिए आएगी मिथेन की आ सकती है, या बेरिलियम क्लोराइड की आएगी, BeCl2 की आ सकती है, या BCl3, इन मॉलिक्यूल्स की आएगी। लेकिन जो PCl5 या SF6 की है उसने पर्टिकुलरली NCERT ने दी हुई है, उसमें हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी नहीं आई है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन आई है कि आपको कैसे पता चला कि SF6 जो है वो SP3D2 है। तो वो डिटेल, वो 2 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पूरा उसको करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई, पहले आपने सल्फर की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, फिर उसके बाद उसके एक्साइटेड स्टेट, फिर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स दिखाए, जो NCERT ने डिटेल में एक पैराग्राफ बना के दिया हुआ है। तो एक्सप्लेन दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF6, अगर ऐसे करके क्वेश्चन आता है तो वो आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। एंड सिमिलरली उसने PCl5 का दिया हुआ है, ये दो केस। तीसरा उसने दिया है हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर ऑफ दी C2H4 एंड C2H2, ये दोनों भी आपने ज़रूर से याद करनी है, ये भी डेफिनेटली आने के चांसेस होते हैं इसके। देखिए यहाँ पे मैंने ये आपको पहले ही बोल दिया कि हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर आपको बेरिलियम क्लोराइड, BCl3, C2H6, C2H4, C2H2, इसकी आपको हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर आपको करनी है। देन इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के सिर्फ आप मेन पॉइंट्स पढ़ लीजिए, लेकिन ज़्यादा इसके एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। मतलब इसकी मॉलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखनी आनी चाहिए और डायग्राम बनाना आना चाहिए।
तो इसके बारे में जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी किसके ऊपर, N2 से N2 प्लस, O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। आपको पता होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन भी आती है, वो एक्सेप्शन को भी आप याद करिएगा। देन बॉन्ड ऑर्डर इन सब का तो आप याद ही कर लीजिए, अगर आप बेटर है बॉन्ड ऑर्डर इनका पूछा जाए तो इनका ही मेनली पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे हीलियम 2 है, वाई हीलियम 2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो उस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, वो आपको पूरा करके दिखाना होता है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, जैसे यही एग्जांपल्स लेके वो कह देंगे इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड एनर्जी में अरेंज करो, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी है। अगर जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो वैसे आप अरेंज करोगे। और बॉन्ड लेंथ के ये लोग क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो अगर ये ऑर्डर आता है तब भी आप बॉन्ड ऑर्डर से ही जाओगे, और बॉन्ड ऑर्डर आपको का फॉर्मूला आपको याद करना है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी भी है, तो ये भी उससे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। तो ये था केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। अब मैं अगला चैप्टर जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब हम अगला चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी मैं इसी तरह से बता रही हूँ कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए करने चाहिए फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू।